बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के लाभुकों के बीच आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 18 लोगों के बीच 5,03,132 रुपए का चेक वितरण किया गया। साथ ही सिलाव प्रखंड क्षेत्र के कई गांव के 62 लोगों को अभियान बसेरा का पर्चा दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन नालंदा स्थित महाबोधि महाविद्यालय के सभागार में किया गया। मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ित लोगों को हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सर्पदंश से यदि किसी की मौत होती है तो पुलिस को सूचना दे और पोस्टमार्टम करवाए ताकि आश्रितों को आर्थिक सहायता दिया जा सके। उन्होंने 62 भूमिहीनों को जमीन का पर्चा देते हुए कहा कि वैसे हर व्यक्ति जिनके पास जमीन नहीं है सरकार चिन्हित कर जमीन उपलब्ध करवा रही है। जो गरीब लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, उनको आज यहाँ पर पर्चा दिया तो कहेंगे कि केकरा केकरा फायदा हुआ, तो हाथों उठा मिला तैयार हो जाएगा। तो जिनके खेतों में लगे हुए फसल नुकसान हुए थे उसकी क्षतिपूर्ति भी सरकार की है। और एक व्यक्ति जिनके सांप काटने से मृत्यु हो गई थी, माहौरी गांव के रहने वाले थे, उनको भी 4 लाख रुपया का मुआवजा दिया गया है। तो आज प्राकृतिक आपदाओं से जो जूझ रहे थे, प्राकृतिक आपदाओं से जो परेशान हुए थे, उन परिवारों को सहायता देने का काम किया गया। जो बरसों से बिना पर्चा के जमीन पर बसे थे और जमीन नहीं था, उनको जमीन दिया गया। तो इस